हाल ही में कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ शो मूल की टीवी के उन सीरियल्स में से एक बन गया है जिसने महज कुछ एपिसोड्स में ही दर्शकों को अपना बना लिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस शो को इंटरेस्टिंग बनाने में जितना योगदान सीरियल की लीड एक्ट्रेस प्रियल महाजन का है, उतना ही योगदान अभिनेता अमर उपाध्याय का भी है, जो शो में विजेंद्र प्रताप सिंह का मुख्य किरदार निभाते नजर आ रहे हैं और इन्होंने अपनी इसी जबरदस्त किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया है। लेकिन दोस्तों, सीरियल में विजेंद्र प्रताप सिंह का किरदार निभाने वाले अभिनेता अमर उपाध्याय के बारे में तो आप सब जानते हैं, पर क्या आप इनकी पत्नी और बेटी के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप भी इन सभी बातों से रूबरू होना चाहते हैं तो बस बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टीवी सीरियल मोलकी के मुख्य अभिनेता के तौर पर विजेंद्र प्रताप सिंह की भूमिका निभा रहे अभिनेता अमर उपाध्याय का जन्म 1 अगस्त 1976 को अहमदाबाद में हुआ और इसलिए इनकी सारी पढ़ाई अहमदाबाद के स्कूल कॉलेजों से कंप्लीट हुई। ये अगर बात करें इनके अभिनय करियर की तो इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1993 में आए सीरियल देख भाई देख से की थी, जिसमें इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि इन्हें लगातार सीरियल्स में काम करने का मौका मिला, जिनमें क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मेहंदी तेरे नाम की, कलश और कसौटी जिंदगी की सीरियल शामिल हैं। इन सीरियल में काम करने के साथ ही ये बॉलीवुड, भोजपुरी और तेलुगु फिल्मों में धाकड़ किरदार निभाते हुए नजर आए और आज इसी काबिलियत की बदौलत ये इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं और सीरियल मोलकी में विजेंद्र प्रताप की भूमिका से दर्शकों द्वारा खूब वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पत्नी और बेटी के बारे में तो इनकी पत्नी का नाम है हेतल उपाध्याय और बेटी का नाम है चैनब उपाध्याय। आपको बता दें कि अमर उपाध्याय की पत्नी हेतल उपाध्याय प्रोफेशन से एक डॉक्टर है जो दिखने में बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश है। वहीं बात करें इन दोनों की लव लाइफ के बारे में तो दोनों की मुलाकात किसी शादी के फंक्शन में हुई थी, जहां पहली बार अमर उपाध्याय ने हेतल उपाध्याय को देखा तो उन्हें पहली ही नजर में दिल दे बैठे। जब तक वो उस शादी को अटेंड कर रहे थे तब तक उनकी निगाहें सिर्फ हेतल उपाध्याय पर थीं। हालांकि हेतल उपाध्याय ने उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो चाहती थीं कि उन्हें वो पहले दोस्त की तरह जान लें और उसके बाद जब एक दूसरे को काफी अच्छे से जान लेंगे तो आगे के बारे में सोचेंगे। और इसी तरह से दोनों ने कुछ समय एज अ फ्रेंड के तौर पर डेटिंग की और कुछ समय बाद ही अमर उपाध्याय का नेचर इन्हें बहुत पसंद आया, उन्होंने भी इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और देर ना करते हुए शादी कर ली और आज भी दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। वही बात करें इनकी बेटी चैनब उपाध्याय की तो अभी 16 साल की है और फिलहाल अपनी 10th क्लास की पढ़ाई कर रही है। बता दें कि एक स्टूडेंट होने के साथ साथ ये सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है, जो आए दिन अपनी ब्यूटीफुल फोटोज अपलोड करने में पीछे नहीं हटती, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अमर उपाध्याय की बेटी और पत्नी में से कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।